students in this video. We shall continue with our chapter number 6, The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. तो इस जो पूरा जो हमें चैप्टर दिया गया है साइंटिस्ट का, तो ब्राइट के बारे में है. अब तक हमने देखा कि ब्राइट ने बहुत सारे साइंस फेयर में, यानी कि इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी प्राइज जीत लिया है. यानी कि वो सक्सेसफुली एक साइंटिस्ट की जो वे होता है उसकी तरफ जा रहे हैं. और हमारा टाइटल भी यही है कि मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, के साइंटिस्ट कैसे बनते हैं. देन हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो पहले से ही डिसाइडेड कर देती है कि हम किस फील्ड में जाने वाले हैं. वो नेचुरली होती है, जैसे कि साइंटिस्ट में क्यूरियसिटी होती है बहुत ज़्यादा, जो चीज़ों को जानने की होती है. वो एक चीज़ को देखते हैं और अगर उन्हें ये थोड़ी अजीब लगती है चीज़, तो उसमें वो क्यूरियसिटी के कारण आगे बढ़ते हैं, छोड़ नहीं देते वो आज तक जब तक वो तय तक नहीं पहुँचते. तो यहाँ पे यही है कि ब्राइट में भी वो बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी बचपन से ही थी, और वो स्टडी में तो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थे. देन लेट्स स्टार्ट दिस एंड लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर. इन हिज सीनियर ईयर, पेज नंबर 36, इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर. ही ग्रेव स्टेप फ्रॉम अ मोनार्क विंग्स एंड द कल्चर्स एंड शोड दैट the cells would divide and develop into a normal butterfly with cells only if they were fed all of the hormones from the gold spots. अब मैंने जैसे बताया था आपको कि gold spots होते हैं जो butterflies के ऊपर, तो वो किसके लिए होते हैं? hormones की developments के लिए होते हैं और जो butterfly को develop करते हैं. तो उन्होंने ये cells का जो theory है उसपे search किया था. That project won first prize from the zoology, the international fair. अब उन्होंने जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज जीता था जब ये उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि जो गोल्ड स्पॉट्स है वो जिसपे सर्च किया था उन्होंने और ये पूरा प्रोजेक्ट करके दिखाया. He spends the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and the end of the laboratory of the US Department of Agriculture. अब उसके बाद उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी में काम किया और फिर US डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वहाँ पर भी उन्होंने काम किया. कि फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड देन डिड मोर वर्क on the hormones from the gold spots using the laboratories sophisticated instruments. He was well to identify the hormones chemical structure. तो अब देखिए उन्होंने जब ये वो हार्वेस्ट यूनिवर्सिटी में थे, जब अपनी वो फर्दर स्टडी करने कंप्लीट करने के लिए गए थे, उन्हें वापस लेबोरेटरी में जाके अपनी जो रिसर्च थी हॉर्मोन्स के या फिर गोल्ड स्पॉट्स की, तो वो पूरी करने के लिए वो वापस लेबोरेटरी में आते हैं और उनके वहाँ पे जो लेबोरेटरी में सोफिस्टिकेटेड जो सारे इंस्ट्रूमेंट थे साइंस के वो यूज़ करके उन्होंने एक हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर तैयार किया. अ ईयर एंड हाफ लेटर, यानी डेढ़ साल बाद, ड्यूरिंग दिस जर्नी जूनियर ईयर, ब्राइट गॉट द आइडिया फॉर इज न्यू थियोरी अबाउट द सेल लाइफ. अब जो सेल लाइफ है, सारे इंसेक्ट्स हैं, उसकी सेल लाइफ के बारे में उन्होंने जनरली जान लिया था, बहुत कुछ सर्च कर लिया. इट कम वाइल ही वॉज लुकिंग एन एक्सरे फोटो एंड द केमिकल स्ट्रक्चर फॉर द वर्ल्ड. अब वो एक्सरे फोटो चाहते थे इन सेल्स का डीप में, जो उन्हें पता लगे कि एक्चुअल में ये जो डीपली मीनिंग है, उन्हें उनका जो शुरुआत है ये कहाँ से होती है. उसके लिए उन्होंने एक्सरे फोटो से केमिकल स्ट्रक्चर के जो है वो उसके लिए वो लुकिंग फॉर एंड वेट करने लगे, उनके लिए सर्च करने लगे, ज़्यादा रिसर्च करने लगे. व्हेन ही शो द फोटोज, अब उन्होंने फोटोज देखी जब अप्राइटेड शॉप अरोका, अरोका मीन्स क्या होगा, अरोका मीन्स दी ट्राई ऑफ ट्रेंड एट द डिस्कवरी. यानी कि आप किसी विक्ट्री को पा लेते हो और आप चिल्लाओ तो मैंने ये तो कर लिया, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया जब उन्हें वो एक्सरे मिल गया. और इवन आई हैव वन बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट्स हॉर्मोन्स द फोटोज गिव हिम द आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल पजल.
और जो बायोलॉजिकल पजल की फोटोज में उनके सारे आंसर दे दिए थे, जो एक्सरे उन्होंने निकाली थी उसमें हाउ कैन सेल कैन ब्रेक द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, उन्होंने पता लगा थी कि डीएनए इज अ सबस्टेन इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स दैट कंट्रोल हेरिडिटी एंड डिटरमाइन ऑफ द फ्रॉम फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ द सेल, जो दस डीएनए इज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ, यानी कि उन्होंने पता लगा लिया कि मेन जो सेल्स का जो शुरुआत है या फिर उसके ऑर्गेनाइजर्स को कैसे पहचाना जा सकता है, वो उसके ऑर्गेनाइजर्स को पर उसकी जो रियल एक छाप रियलिटी होती है उसकी, जो उसकी हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेंस क्या है, तो हाँ फिर डीएनए के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं। तो उन्होंने फाइनली ये सेल जो थियोरी थी उसका आंसर जो है ढूंढ लिया कि सब कुछ डीएनए पे डिपेंड करता है, हमारे सेल्स हमारा ऑर्गेनाइजेंस जो है वो डीएनए पे डिपेंड करता है। एब्राइट हेड एंड स्कॉलर्स रूममेट जेम्स आर्मस्ट्रांग वर्क ऑल दैट नाइट ड्राइंग द पिक्चर एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन टुगेदर दे लेट योर वर्क द पेपर दैट एक्सप्लेन दिस थ्योरी। अब उन्होंने पूरा सर्च कर लिया, फिर उन्होंने मॉडल्स बनाया कि कैसे होता है सब सेल्स एंड डीएनए एंड ऑल दैट, और उन्होंने बाद में एक लेटर यानी कि पेपर जो थीसिस होते हैं जनरली हम जब पीएचडी या फिर ऐसा कोई कोर्स कर रहे होते हैं तो उन्होंने पेपर प्रेजेंट करने को होते हैं, जिसमें हमें सर्च करके पूरा पेपर प्रेजेंट करने का होता है। तो उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया इस थियोरी के ऊपर। सरप्राइजिंग नो वन हू न्यू हिम चार्ड राइट ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट होल्ड द स्कूल स्कोर सेकेंड इन दिस क्लास ऑफ 1510। ब्राइट इतने क्लेवर थे कि उन्होंने 1510 स्टूडेंट में से सेकेंड रैंक अपनी स्कूल अपनी यूनिवर्सिटी में पाया था। ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट द हार्वेस्ट मेडिकल स्कूल, और फिर उन्होंने हार्वेस्ट मेडिकल स्कूल में रिसर्चर भी काम किया। देन ही बिगन टू डू एक्सपेरिमेंट विद द लास्ट हिस्ट्री, फिर से उन्होंने वही थियोरी पे अपनी जो मोनार्क बटरफ्लाई थी उसके जो स्पॉट्स थे एंड इंसेक्ट्स थे उसके सबके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। इफ द थियोरी प्रूव करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, इट्स माइट ऑल्सो लेड टू द न्यू आइडिया फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड द अदर डिजीज। अगर ये थियोरी प्रोसेस जो है सक्सेस हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है इसका जो आंसर उन्हें मिल जाता है, तो वो शायद कैंसर जैसे कितने भी डिजीज हो हार्ड हो उन्हें उन पर काम कर सकती है, उन्हें जो है उनका सॉल्यूशन जो है मिल सकता है। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी हिज हाई स्कूल रिसर्च एंड पर्पज ऑफ दिस कोर्स ऑन द मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेट हिम हिज थियोरी अबाउट द सेल लाइफ। अब यहाँ जो उन्होंने स्टार्ट किया था क्यूरियोसिटी के कारण बचपन में मोनार्क से, अब वहाँ के आगे बढ़ते बढ़ते धीरे सेल्स तक पहुँच चुकी है और अब बहुत बड़े रिसर्च तक पहुँच चुकी है। रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाई बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज अ टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैंपियन डिबेटेड एंड द पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट, कैनोइस्ट मीन्स क्या होता है छोटी सी बोट होती है उसको आप अच्छे से अगर चला पाती हो तो उसे कैनोइस्ट कहते हैं। एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन ही इज ऑल्सो ऑन द एक्सपेक्ट फोटोग्राफ फॉर पर्टिकुलरली द नेचुरल एंड द साइंटिफिक एग्जीबिट्स। अब मैंने आपको बताया कि ब्रेड सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो ऑलराउंडर थे, उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था और वो बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट थे। तो यहाँ पर दिया गया है किस किस चीज़ों में, तो वो चैंपियन थे, वो स्पीकर थे, वो डिबेट्स करते थे और वो कैनोइक्स थे, फिर एक फोटोग्राफर थे अच्छे। आगे हैं इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज द स्ट्रेट ए स्टूडेंट बिकॉज द लर्निंग वॉज ईजी, उनके लिए लर्निंग बहुत ईजी थी, वो स्कूल में हाई स्कोर करते थे। ही टर्न द लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड द डिबेटिंग एंड द मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब। He also found a someone to admire Richard A. Weaver, his social studies teacher and the advisor of the board,
माइंड टू न्यू आइडियाज राइट सेट। अब उनको इंस्पायर करने वाले जो प्रोफेसर हैं उनको बताया कि उनको उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, तो रिचर्ड एडवर्ड हैं उनसे चलो बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर थे और वो उनकी उनके एडमायर करते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं यहाँ पे, उनकी वजह उनकी भी हेल्प बहुत ज़्यादा रही है। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मिसेस वेयर वेयर हियर एट सेड व्हाट द प्लेस ऑफ मी वाज हियर वाज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours a night doing the paid researches beside doing the all researches without butterflies with butterflies and the other insect interested। अब यहाँ पर मतलब कि जो ऑलराउंडर पर्सन है ना एडवाइस उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो सिर्फ रिसर्च नहीं करते थे पर और भी बहुत सारी चीज़ों में वो एक्सपर्ट थे। जैसे डिबेट जो है वो बहुत अच्छे से करते थे, वो रात को झाग झाग कर हार्ड वर्क कर करके अपने काम कंप्लीट किया करते थे, यानी कि उनके लिए मेन डिटर्मिनेशन था और हार्ड वर्क था अपने काम को पूरा करने का। रिचर्ड वॉज दी कंपेटेटिव मिस्टर बी वी हर्ड कंटिन्यू बट नॉट इन दी बैड सेंस एक्सप्लेन इट। रिचर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन विनिंग ऑफ द विनिंग सेक और फॉर विनिंग गेट द प्राइज, रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू द बेस्ट जॉब ही कुड फॉर द राइट रीजन ही वॉन्टेड टू बी बेस्ट। अब वो कहते हैं कि वो अच्छे कॉम्पिटिटिव थे, कॉम्पिटिटिव यानी कि जब भी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते थे वो इसलिए नहीं लेते थे कि दूसरों से अच्छा दिखे या फिर दूसरों को पीछे छोड़ दे, दूसरों के बारे में मतलब कि उनका जो कॉन्ट्रीब्यूट था क्योंकि वो खुद अच्छा दिखना चाहते थे, खुद अच्छा करना चाहते थे, इस वजह से वो प्राइज जीतते थे। उन्हें प्राइज जीतना अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि वो अपने आप को बेस्ट साबित करना चाहते थे, कुछ अच्छा हो सकता है उसे प्रेजेंट करना चाहते थे, ना कि किसी और को पीछे रखना चाहते थे या किसी और को कुछ दिखाना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। अब ये तीन जो यहाँ पे दिए गए हैं वो चीज़ें साइंटिस्ट को बनाते हैं, स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल विन फॉर द राइट रीजन। हम कहते हैं फर्स्ट रेट माइंड हमारी डिटर्मिनेशन क्यूरियोसिटी एंड दी हम जो चीज़ करना चाहते हैं उसमें विनिंग होने की जो हमारी डिटर्मिनेशन होती है, हार्ड वर्क होता है, हमारा जो पावर है उसको पूरी तरह से लगा देना एबिलिटीज को, वो फिर ब्राइट हैज दिस क्वालिटीज मेरी सारी क्वालिटीज फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपनेड द वर्ल्ड साइंस ऑफ हिम रिचर्ड एब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। अब जहाँ से उन्होंने शुरू किया था बचपन से मोनार्क एक्स बुक से लेकिन अब तक उन्होंने जो भी रिसर्चेज किए हैं वो रुके नहीं, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती ही गई और हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन और क्यूरियोसिटी के कारण वो साइंटिस्ट बन पाए और उनकी जो विन होने की जो उनकी अर्ज थी डिज़ायर थी उसके कारण वो आगे बढ़ पाए विन बी द बेस्ट बनने के लिए। तो हमारा जो चैप्टर था मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर। आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपके बुक में लिखने हैं।